गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग, तो अभी हम लोगों की चाय नाश्ता भी हो गया है, लेकिन अभी तो आपको पता है कि होली आने वाली है, तो घर की साफ सफाई एक्स्ट्रा हो जाती है और कुछ बर्तन होते हैं जो एक्स्ट्रा निकाल कर रखने पड़ते हैं, उनकी भी साफ सफाई हो जाती है। और आप लोगों ने तो वुलन कपड़े रख दिए होंगे वापस, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं निकला है कि मैं वुलन कपड़े रखूँ। रीज़न क्या है मैं बताती हूँ। अब मेरी इतनी हाइट है नहीं कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ और मैं सामान रखूँ। इवन क्या है ना कि अगर मैं सीढ़ी लगा कर भी रखूँ ना, मैं सीढ़ी से भी वहाँ नहीं पहुँचूंगी, क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ तो जाऊँगी लेकिन एक एक कपड़ा फिर रखूँगी कैसे, फिर आओ फिर जाओ। इसी वजह से मेरे हस्बैंड की लिए ही टला हुआ है कि जब उनके पास टाइम होगा तब रखेंगे। आज उनको बोलती हूँ शाम को अगर जल्दी आते हैं। तो घर की साफ सफाई हो गई फ्रेंड्स, डस्टिंग हो गई, झाड़ू पोछा हो गया है, जाला वाला छुड़ाना भी हो गया है। एंड मैंने थोड़ी देर कम से कम 10 मिनट बैठी हूँ, उसके बाद मैंने नहाया है, फ्रेश हो गई मैं। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ बनाऊंगी क्योंकि अभी हूँ। मैंने इस मॉर्निंग में जो है राजमा बॉयल किए थे, तो मैं खड़े मसूर की दाल के साथ राजमा बनाऊंगी। और तो पापा जो पापा आ गए हैं, खुशी देखिए। पहले हाथ धोइए। पापा को हैंडवॉश कर लेना। इन लोगों ने फिर साथ में खूब मस्ती की, खेले ये लोग। फिर उतनी देर में मैंने इनके लिए बनाई चाय और फिर खाना दिया इन्हें। खाना खा के इन्होंने थोड़ी देर आराम किया और फिर मैं तैयार हुई शाम को मंदिर जाने के लिए। इन कह रहे थे शाम को मंदिर चलते हैं, मैंने कहा चलो सही है। मैंने भी जो है किचन का काम खत्म किया और जो बिखरा पड़ा हुआ था वो सब साइड में लगाया। रात के खाने की भी तैयारी की इनको खाना खिलाने के साथ साथ। और फिर हम लोग निकल गए मंदिर। मंदिर में आए, हम लोग ने दर्शन किए बजरंग बली के। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर मंगलवार को आए बजरंग बली के, हम दर्शन करें। तो आप हमारे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक्स।